दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में हुआ। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का शौक था, जिसकी वजह से वह बचपन में ही कंप्यूटर के प्रोग्राम जानने लगे थे। उनके पिता प्रोग्रामिंग करने में बहुत मदद करते थे, लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज था कि वह उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें मार्क के लिए कंप्यूटर टीचर बुलाना पड़ा, जो रोज़ाना मार्क को प्रोग्रामिंग सिखाया करता था। छोटी सी उम्र में ही मार्क अपने कंप्यूटर टीचर को भी फेल कर दिया करते थे। उनके अनुभवी टीचर भी उनके बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। मार्क ने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया, जिसका नाम जुकनेट रखा, जिसका प्रयोग वो अपने घर से अपने पिता की क्लिनिक में बात करने के लिए करते थे। दोस्तों, जब बच्चे कंप्यूटर गेम चलाना सीखते हैं, उस उम्र में मार्क गेम बनाते थे। मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ पर भी वह बहुत इंटेलिजेंट थे। कॉलेज के दिनों में एक फेसबुक नाम की बुक हुआ करती थी, जिसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की फ़ोटो और उनकी डिटेल होती थी। फिर मार्क ने फेसमेस नाम की एक वेबसाइट बनाई, जिसमें उपयोगकर्ता एक छात्र से दूसरे छात्र के फ़ोटो के लिए हॉट या नॉट रेटिंग कर सकते थे। इस वेबसाइट के लिए कॉलेज की वेबसाइट को भी हैक कर लिया था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट मानी जाती थी। 2004 में मार्क ने द फेसबुक नाम से वेबसाइट बनाई, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेमस हुई और धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटी में फेमस होने लगी। और फिर मार्क ने कॉलेज बीच में ही छोड़ दी और अपनी टीम को इकट्ठा कर पूरी मेहनत के साथ इस वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। 2005 में वेबसाइट का नाम बदलकर फेसबुक ही रख दिया। 2007 तक लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बन चुके थे। साल 2011 तक यह वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपने सच्चे लगन और मेहनत से मार्क जुकरबर्ग बन चुके थे इंटरनेट के बादशाह। और आज मार्क दुनिया के यंगेस्ट बिलेनियर्स में से एक हैं। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।